हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित में। दोस्तों, आप कंपटीशन का स्टूडेंट हो या फिर क्लास का स्टूडेंट हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर आसानी से घर बैठे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्सन के बचे हुए काइंड को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नया है और घर बैठे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी को भी दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सन का तीसरा काइंड। दो काइंड हमने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप के पर्सन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लें। तो पर्सन का तीसरा काइंड है थर्ड पर्सन। पर्सन जिसको हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख ले ताकि हमें समझ में आ जाए थर्ड पर्सन क्या है। अन्य पुरुष हुआ पुरुष है अन्य पुरुष हुआ पुरुष है जिसके विषय में कुछ कहा या किया जाए, थर्ड पर्सन इज दैट पर्सन। थर्ड पर्सन इज दैट पर्सन व्हिच इज सैड और डिड समथिंग अबाउट। थर्ड पर्सन जिसको हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष वह पुरुष है जिसके विषय में कुछ कहा या किया जाए। थर्ड पर्सन इज दैट पर्सन व्हिच इज सैड और डिड समथिंग अबाउट। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखने से पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, आई टीच यू इंग्लिश। टीच यहाँ पर वर्ब है। आई क्या है? हमने अभी तुरंत फर्स्ट पर्सन का डिफिनेशन देखा है कि प्रथम पुरुष वह पुरुष है जो कुछ करता है एवं कहता है एवं करता है। तो यहाँ पर करने वाला कौन है? आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। पढ़ाने वाला कौन है? आई है। तो आई यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। कुछ करने वाला यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद दूसरा हमने देखा सेकेंड पर्सन में कि जिसे कुछ कहा या किया जाए, यानी यहाँ पर किसे पढ़ाया जा रहा है? यू को, जिसे कुछ कहा या किया जाए। पढ़ाने वाला आई है, यानी करने वाला आई है, किसको कर रहा है या किस यू को, यानी पढ़ा किसको रहा है? यू को। तो यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन। उसके बाद अब हमें समझना है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कहा है कि अन्य पुरुष वह पुरुष है जिसके विषय में कुछ कहा या किया जाए। अब यहाँ पर किसके विषय में कहा जा रहा है या किया जा रहा है? इंग्लिश के विषय में, यानी आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यानी यू को इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश के बारे में इसको कहा जा रहा है। तो इंग्लिश यहाँ पर थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा थर्ड पर्सन। अब सिंपल सा हम एक वाक्य में, एक सेंटेंस में, या फिर साधारण सा हम समझ लेते हैं
पर्सन के बारे में, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर हम कहीं पर तीन आदमी एक साथ खड़ा रहे, तीन आदमी एक साथ, तीन आदमी नहीं, इसी तरह समझे, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल में बस वही देखा है, आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पर आई कहने वाला, बोलने वाला या फिर करने वाला है, यू यू यहाँ पर सुनने वाला है, या फिर यू को किया जा रहा है, यहाँ पर करवाया जा रहा है, और इंग्लिश के बारे में इसे करवाया जा रहा है, यानी इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन इंग्लिश। या फिर से आपको याद रखने के लिए बता दें कि जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको पर्सन का तीनों काइंड्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर में कौन कौन आएगा, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लुरल में कौन कौन आएगा, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लुरल कौन कौन आएगा। लिस्ट ऑफ पर्सन, लिस्ट ऑफ पर्सन, हम एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम साफ साफ लिख पाए। नंबर पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। दोस्तों अगर स्पेलिंग में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, हम आपका हेल्प करने के लिए तैयार हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको हम उस स्पेलिंग को सुधार कर लिख देंगे। नंबर पर्सन, पर्सन कितना का है, तीनों। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में देखा जाए तो आई होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में देखा जाए तो आई होता है, और प्लुरल नंबर में बी होता है। फिर दूसरा काइंड है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में दाऊ होता है, दाऊ होता है जो यूज में नहीं है, नॉट इन यूज, जो यूज में नहीं है, प्लुरल में यू होता है, प्लुरल में यू होता है। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट, ही सी इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर ही सी इट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन हो। और प्लुरल में थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में दे होता है, या फिर प्लुरल नाउन, जितने भी प्लुरल नाउन है वो सब थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में आ जाएंगे। हमें पहले से पता है कि जितना भी नाउन है सब थर्ड पर्सन में होते हैं। दोस्तों हमने ये पर्सन का लिस्ट देखा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है, प्लुरल नंबर में बी होता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में दाऊ होता है जो यूज में नहीं है, प्लुरल नंबर में यू होता है, थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर में यू होता है, सेकेंड पर्सन का प्लुरल नंबर में यू होता है, उसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही सी इट और सिंगुलर नाउन हो जाते हैं, उसी तरह प्लुरल नंबर में थर्ड दे और प्लुरल नाउन हो जाते हैं, जितने भी प्लुरल, सभी प्लुरल नाउन थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। अब हमें एक बात और याद रखना है कि जितना भी नाउन है सभी किस में आते हैं, थर्ड पर्सन, नोट के रूप में इसको याद रख लें, नोट के रूप में
याद रख ले, क्या याद रख ले कि सभी नाउन थर्ड पर्सन में होते हैं, सभी नाउन थर्ड पर्सन में, सभी नाउन थर्ड पर्सन में होते हैं, सभी नाउन किस में होते हैं, थर्ड पर्सन में होते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में पर्सन के काइंड को और पर्सन के लिस्ट को देखा। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम पर्सन से रिलेटेड कुछ टर्म को लेकर मिलते हैं।